नहीं, ये कभी मैंने फेस नहीं किया है, और मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है जो आप बोल रहे हैं एग्जिस्ट करती है नहीं करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ अगर एग्जिस्ट करती भी है तो इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि मीडिया जो है मतलब क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, घर घर में देखी जाती है। तो आप हर इंसान के बारे में आई डोंट थिंक यू वुड वॉन्ट टू नो द मतलब जो एक गॉसिप फैक्टर होता है ना वो उन चीज़ों से ही चलता है जो आपके क्लोजेट में होती है। सो थिंग्स दैट यू आर ओपन अबाउट एंड थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री, पीपल डोंट वॉन्ट टू नो दैट। पीपल वुड वॉन्ट टू नो दैट यू नो वॉट इज द सिनेरियो एज फार एज कास्टिंग काउच इज कंसर्न। तो इन चीज़ों को जो ग्रोथ और जो एक्सपेंशन मिली है वो उसी सोच से मिली है, अदरवाइज दीज थिंग्स आई हैव नेवर सीन। 5 6 ईयर्स आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, मुझे आज तक ना किसी में, मेरे इतनी सारी दोस्त हैं जो लड़कियां हैं या माई सेल्फ या फिर मेरे आसपास जितने लड़के हैं, मुझे नहीं आज तक पता चला कि किसी ने मुझे बोला हो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है उनके साथ या उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। हाँ, कुछ लोगों ने ये बोला है कि एग्जिस्ट करता है और फलाना के साथ हुआ है और फलाना के साथ हुआ है, लेकिन नो बडी हैज़ एवर सेड दैट दे हैव बीन एक्सपीरियंस टू समथिंग लाइक दिस। सो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने आज तक किसी का नहीं सुना। हाँ, बात रोल्स से हाँ हाँ बिल्कुल, हर रणबीर राणा से पहले भी मैंने दो शोज़ किए, यहाँ के हम सिकंदर और डोली से जाके। डोली तो से लगे। हर कैरेक्टर का, हर रोल का एक अपना मकसद रहा है जो उसने फुलफ़िल किया है। सो इट्स बीन अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन आई वुड से दैट। तो आई हैव बीन एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव अबाउट द रोल्स दैट आई हैव डन, चाहे वो रणबीर रानो में रणबीर हो या फिर करोल बाग में ओमी हो। दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग रोल, ऑटिस्टिक कैरेक्टर था तो डिफ़िकल्ट टू प्ले, बट इट हैड अ लॉट ऑफ रेंज फॉर परफॉर्मेंस एंड लॉट ऑफ रेंज फॉर स्टडी ऑफ दैट कैरेक्टर। बहुत कुछ मतलब इतने सारे रेफरेंसेज हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स, आई एम सैम है, रेन मैन है, टेम्पल ग्रैंडन, देर सो मेनी हॉलीवुड फिल्म्स, सो मेनी बॉलीवुड फिल्म्स जिनसे जिनके क्योंकि जब कुछ आपको एक ऐसी चीज़ करने के लिए दी जाती है तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी ऑन इट, यू ऑल्सो वॉन्ट टू रिसर्च ऑन इट बिफोर यू डिलीवर योर प्रोडक्ट। तो मुझे वो मौका करोल बाग के उस कैरेक्टर के साथ मिला। और ये बहुत ही ज्यादा सराव, ये मेरा फोटे नहीं है ये। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ कभी नहीं लगा। इनफैक्ट आई एंजॉयड प्लेइंग दैट रोल फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे ऑफ दैट शो। जब तक मैंने किया थरली एंजॉयड, क्रिएटिवली एंजॉयड डूइंग दैट रोल। इनफैक्ट जब तक ऐसे चैलेंजेस आपको फेस ना करें आप, तो आपका रबर बैंड जो है एज एन एक्टर वो भी एक्सपैंड नहीं होता, यू डोंट ग्रो एज एन एक्टर। तो आई एम ग्लैड कि ऐसे रोल्स आए, और मैं आगे भी आई वुड ट्राई टू पुल आउट रोल्स विच आर डिफरेंट एंड दे आर नॉट कन्वेंशनल एंड क्लीशे, सो दे हैव अ स्कोप ऑफ गोइंग बियॉन्ड द ऑर्डनरी और बियॉन्ड द यू नो क्लीशे टू डू। हाँ, रूमर्स थे कि जब आप 12 बटा 24 करोल बाग में आप कर रहे थे, तभी आपके आपके और डायरेक्टर के बीच में कुछ क्लिचेस थे या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या थे वो? मैंने ये रूमर पहली बार सुना है, आज तक तो ऐसा कभी कुछ। किस तरह का माहौल था तभी? बहुत अच्छा माहौल था हमारे करोल बाग के सेट पे, तो दिल्ली में तो आई थिंक वी हैड बिकम फैमिली फॉर ईच अदर। 3 3 बजे तक रात तक शूट करते थे तो सभी लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग अक्सर घूमा करते थे, बाहर जाते थे, कई बार 2 बजे पैकअप होता था और हम लोग ड्राइव पर निकल जाते थे एंड वी वुड स्लीप लेट इन द नाइट एंड कम बैक ऑन द शूट अर्ली मॉर्निंग। आज तक प्रोफेशनल फिक्शन मेरा किसी के साथ भी नहीं हुआ है, सिर्फ करोल बाग में ही नहीं बट किसी भी शो पे, किसी भी डायरेक्टर या किसी भी प्रोडक्शन पर्सन के साथ या फिर किसी के साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा क्लैश ऑफ थॉट कभी हुआ ही नहीं। तो अगर आपने कुछ ऐसा सुना है तो इवन आई एम सरप्राइज, बट दैट्स क्लियरली अ र्यूमर। Currently, you are shooting for Saas Bina Sasural, यस which is very different show rather than Saas Bahu.